जे हे आंटी जी जरम चांगलांगा अभी हम निकलेंगे यहाँ से जो कि खुनसा के लिए। चलो आंटी हो गल ना, चलो जाओ। Hello guys, finally we are moving from Changlang to Khunsa. पता नहीं आज पहली बार मैं जा रहा हूँ जो कि खुनसा, और इतना एक्साइटेड हूँ कि पता नहीं कैसे दिखने वाला है। चाचा धीरे, अदरवाइज रोड तो मजा बोल के सुना हूँ, पता नहीं आप लोग को दिखाऊंगा मैं। और मज़ेदार तो इस बात की है जो कि दिन थोड़ा साथ दे दिया, और यही चांगलांग का मंडे बाज़ार, थोड़ा छोटे मोटे लोकल बाज़ार चलता है। व्यू देखिए चांगलांग का मज़ा वाला साले। और मिलते हैं, मैं खुनसा का रोड आप लोग को दिखा दूंगा, ब्लॉग पे बने रहे। बिल्डिंग दिखा दे रहे, पहले हम लोग तीराप डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर चुका है, एंड हम लोग वैसे जा रहा है तो खुनसा डिस्ट्रिक्ट, खुनसा का डिस्ट्रिक्ट है। और माहौल तो देख के आपको पता ही चल रहा होगा, जैसे पहाड़िया का बीच में एकदम मज़ेदार वाला व्यू, शानदार वाला क्लाउडी, उसका मज़ा लेते हुए वो निकल पड़े चांगलांग से। निकल गया कब, लगभग 25 किलोमीटर हम लोग ड्राइव कर चुका, और रिमेनिंग है मे बी 38 किलोमीटर। एंड अ वंडरफुल व्यू मैन, ओ शिट। ये एक बस्ती है, पता नहीं रास्ता में कौन सा बस्ती है। रास्ता में अगर कुछ बोर्ड दिखाई देगा तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। अच्छा, न्यू लैनवांग लॉज, तो आज का व्यू देख के तो मुझे तो बहुत खुश लग रहा है, और पता नहीं आप लोगों को कैसा व्यू दिखाई दे रहा है, लेकिन हकीकत में बहुत सुंदर व्यू है। आप लोग भी जरूर आए, जो कि यही रोड है जो कि है सिक्के रोड, सिक्के रोड मीन्स आई थिंक चांगलांग टू खुनसा रोड, बहुत सुंदर तरीके से कट के बनाया गया है, और लगभग 95% रास्ता ओके है, और 5% का कुछ तो सब तो होते रहेगा, क्योंकि यही वे में इतना गाड़ी चलता है आना जाना। तो जो भी हो, व्यू देखी तो मुझे मज़ा आ गया भाई। देखिए
आप लोग कमेंट में बताओ और कैसा लगा है ये सब व्यू देख के। और भी शायद चंद्र चंद्र वाला व्यू आने वाला है, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि और हम लोग कौन सा की ओर जा रहा है। और कौन सा का व्यू तो मैंने बहुत पहले बहुत देखा हूँ, जो कि मोबाइल पे गूगल पर एंड अदर यूट्यूबर्स और बड़ा बड़ा यूट्यूबर्स लोग का। हम इतना तो है नहीं है, फिर भी देखिए आप लोग को दिखाने के लिए आज लाया हूँ कौन सा का किस्सा वाला पहाड़िया क्लाउडी मैन। यही तो मजा है भाई, और जूम कल्टिवेशन भी करे, पता नहीं कौन सा आदमी लोग कर रहे, लेकिन कर तो रहा है, अपना कल्चर भूला नहीं है। यही बहुत बड़ी बात है भाई, जो कि अपना ये जूम कल्टिवेशन से मिलता है, जो कि नेचुरल वाला वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड पैडी वगैरह वगैरह। उफ, क्या मेरा है भाई, शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको यह बिना समझ लो तुम शायद। ये रास्ता तो सुंदर है, लेकिन साथ साथ में पूरा जंगल हो गया ना भाई, तो उसका वजह से थोड़ा तकलीफ तकरीबन मिल रहा है, क्योंकि ऐसे जंगल का बीचों बीच एक्सीडेंट होने का बहुत चांसेस रहता है। और देखिए ये रोड साइड में कितना जंगल से ढक दिया है, मैक्सिमम रोड तो ढक ही दिया है। तो ये सब व्यू या तो ड्राइव करने के लिए आना जाना करने के लिए थोड़ा तो मुश्किल होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा को काटा जाए, डिपार्टमेंट को लगाया जाए और सुंदर हो के हम लोग चलेंगे तो और भी कुछ अलग ही मज़ा आएगा। और शायद आशा करता हूँ कुछ एक्सीडेंट भी नहीं होगा शायद। और बाकी गवर्नमेंट जानता ही है। खास बात यह है आज तो मज़ेदार वाला वेदर है भाई, वेदर भी साथ दे रहा है। रिलीवर में कौन सा एंट्री करने वाला, बहुत एक्साइटेड। ओ मैन, टाउन दिखा दे रहा है शायद, हम जा रहे हैं कौन सा टाउन पे, बहुत मज़ेदार आने वाला है भाई। बहुत देर से वेट कर रहा था कौन सा टाउन के लिए, जैसे शायद 2 किलोमीटर। राइट, इसको बहुत क्लाउडी हो रहा है, टाउन से तो ठीक ही वेदर था, अभी जाने पहुंच के थोड़ा बूंद बूंद पिप पिप बरसा पानी वाला शुरू हो गया। बस कोई बात नहीं भाई, हमारा आगे कोई तो है बंदा, हमें शायद इंसान का लोकल लड़का, विदाउट हेलमेट वही तो बुरा लगता है, हेलमेट पहना करना चाहिए। थैंक यू विजिट अगेन, पता नहीं इस बार फर्स्ट टाइम आया तो कौन सा करो, इतना टाउन किधर है पता नहीं हो सकता।
शायद कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं है, मुझे लगता है इधर ही जाना है, इधर जाके देखते हैं। देसी और स्क्रिप्ट है भाई, देखते हैं। तो मजा लगा है रे भाई, मत सोच जगह है भाई, पता नहीं था इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। मार्केटिंग तो पता नहीं है लेकिन टाउन एरिया का जगह तो मजा लगा है। ये सब क्या गाड़ी चलाता है, सारा पुलिस लोग ओवर देखा रहे। अरे गाड़ी देखिए कैसा पार्किंग, ये वाला सिस्टम मजा नहीं था ट्रैफिक को, उसके ट्रैफिक प्लान का थोड़ा कुछ रखता। तो गाइस फाइनली हम लोग खुनसा टाउन घुमा था, यही टाउन है, अदरवाइज इतना कुछ खास बात तो है नहीं है, लेकिन टाउन देखी तो मज़ा आ गया। शायद ये वाला लॉन्गडिंग और आपका देवमाली होके निकलता है शायद, पता नहीं, दो रास्ता है, हमें तो कुछ बोर्ड वोट तो दिया नहीं है। तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से फिर चांगलांग, लेट्स गो। जो है रोड से आ रहे थे हम लोग, जैसे अगर राइट जाएंगे तो आपका डीसी ऑफिस, और लेफ्ट जाएंगे तो आपका चांगलांग 60 किलोमीटर, मार्गेटा 101, बिग बॉय 118 एंड जयरामपुर 142। चलो किराओ ना, लेट्स मूव गाइस, बाय बाय खुनसा। जो काम के लिए था खत्म, और फिर हम लोग रिटर्न, चांगलांग की ओर, और ज़्यादा शॉट नहीं लूँगा, जहाँ व्यू अच्छा लगेगा वही मैं लूँगा, क्योंकि ऑलरेडी आते समय मैं थोड़ा बहुत लेके आ गया था।